याद अध्यक्ष जी, आज इस सदन में मेरा प्रथम बार बोलने का अवसर है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिसके कारण मैं आज यहाँ पर खड़े होकर बोल पा रही हूँ। मेरे सीधी संदेश क्षेत्र की जनता, मैं उसे हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी, जो कि प्राकृतिक संसाधनों, उद्योग व छोटे मझोले बड़े कल कारखानों के लिए पूरे भारत में माना जाता है, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के से समृद्ध कुछ जिले सीधी से सीमावर्ती सटे हुए हैं। यहाँ भी कल कारखानों, खनन व उद्योगों की भरमार है। इन सभी जगहों पर परिवहन व्यवस्था का जबरदस्त अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी जगह के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसको सड़क, रेल, हवाई परिवहन व्यवस्था से मजबूत करना होता है, जिससे संबंधित परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ता है, साथ ही स्थायी अस्थायी बासिंदों का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक विकास होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी व नगर विमानन मंत्री जी से, भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि मेरे पूर्व में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगरौली में जिस हवाई अड्डे को बनाने के लिए सरकार की योजना थी, वहां अभी तक इस संबंध में कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, पर व्यक्तिगत संज्ञान लेकर आप शीघ्र ही मेरे संसदीय क्षेत्र, जो उक्त सभी औद्योगिक जगहों का केंद्र बिंदु है, हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए प्रवेश करें। धन्यवाद।